तो दोस्तों इस वीडियो में एक नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ लेटर टू गॉड। तो दोस्तों इसको लिखा है जेएल फ्लिंटस ने, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी उन्होंने दो चीजों के बारे में हम लोगों को बताया है। दैट इज पहला जो है कि वो बताया है कि कैसा हम लोग का ह्यूमन नेचर होता है, और दूसरा कि कितना कोई गॉड में बिलीव कर सकता है। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है कि एक फार्मर रहता है जिसका नाम होता है लेंचो, और वो कॉर्न की खेती करता है, भुट्टे की खेती करता है, और जो इस साल का जो उसका फसल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और हार्वेस्टिंग के लिए लगभग तैयार ही होता है कि वहाँ पर हेल स्टोन आ जाता है और उसका जितना भी क्रॉप है बर्बाद हो जाता है। तो वो कोई भी होप ना दिखने पे वो लेटर लिखता है गॉड को और 100 पीसेस का डिमांड करता है, लेकिन वो लेटर गॉड के पास नहीं जाता है और कहीं जाता है, उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। इंटायर वैली पे जो एकमात्र घर मौजूद था वो एक निचली पहाड़ी के चोटी पे मौजूद था। वो ऐसे हाइट पे था कि वहाँ से बहुत ही आसानी से रिवर को देखा जा सकता था, और साथ ही साथ वो पके हुए भुट्टे के फ्लावर्स को भी देखा जा सकता था, जो देखने से हमेशा लगता था वो बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट की प्रॉमिस कर रहे हैं। वहाँ की जो अर्थ थी एक चीज़ को मिसिंग कर रही थी, डेट इज रेनफॉल और एटलीस्ट अ सावर। तो रेंचो जो होता है आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देखते हुए बोलता है कि इस बार हम लोगों को बहुत ही अच्छा वाटर मिलेगा। तो जो वुमेन होती है वो खाने को पका रही होती है, और खाना पकाते पकाते बोलती है हाँ मिलेगा अगर भगवान की इच्छा हुई तो। उन लोगों के दो बच्चे होते हैं, जो बड़ा वाला बच्चा होता है वो फील्ड में काम कर रहा होता है, और जो छोटा वाला बच्चा होता है वो बगल ही में घर के खेल रहा होता है। तो जो मॉम होती है, जो वुमेन होती है, वो सभी लोग को खाने के लिए बुलाती है, कम फॉर डिनर कम फॉर डिनर। तो सारे लोग जब खाने के लिए आते हैं तो जैसा रेंचो ने प्रेडिक्ट किया था बारिश होने का, वैसा बारिश स्टार्ट हो जाती है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जहाँ बहुत लंबे लंबे माउंटेन हैं वहाँ से क्लाउड आना शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ पर एयर होती है बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है और स्वीट होती है, और फिर अपने भावनाओं को कंट्रोल किए बिना जो लेंचो है बोलने लगता है कि जो रेन ड्रॉप है वो रेन ड्रॉप नहीं है बल्कि एक नए कॉइंस है, जो छोटी वाली बड़ी वाली कॉइंस है वो 10 10 10 रुपीज की सेट्स है, और जो छोटी वाली कॉइन है वो 5 5 की सेट है। तो अचानक ही क्या होता है कि एक हेल स्टॉर्म आ जाती है, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे बूंद थे अब बड़े बड़े पीस में बदलने लगते हैं, और फिर वो क्या होता है कि लेंचो होप करता है कि जल्दी से ये हेल स्टॉर्म चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हेल स्टॉर्म है वो 1 घंटे तक रहती है और पूरे गार्डन को बर्बाद कर देती है। बगल में वहाँ पर जितने भी हिल साइड जितने भी हाउस होते हैं कॉर्न फील्ड होते हैं सारे चीज़ को बर्बाद कर देती है। तो वहाँ पर जो लेंचो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और पूरे सैडनेस से भर जाता है, और अपने फील्ड के मैदान के जहाँ पर कॉर्न फ्लावर था वहाँ पर बीच में खड़ा हो जाता है, और अपने बच्चों से कहता है कि इससे ज़्यादा तो जो कीड़े होते हैं ग्रास ओपर होते हैं वो ज़्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन जो होता है यहाँ पर एक भी लीफ प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो जो रात होती है बहुत ही ज़्यादा सोरोफुल होती है, मतलब दुखदायी रात होती है। वहाँ पर जो कोई भी जो व्यक्ति था मेम्बर था उस फैमिली का रात भर सो नहीं पाता है। तो लेकिन जो रेंचो है वो अपने होप को नहीं खोता है और सोचता है कि कोई मदद ना करे तो भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, कोई भी भूखा आज तक नहीं मरा है, कोई भी आज तक भूखा नहीं मरा है, ऐसा वो बोलता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो गॉड के पास लेटर को लिखेगा। तो वो जो रेंचो था वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और ऑक्स टाइप ऑफ मैन था, मतलब वो एक बहुत ही मेहनती लेबरियस मैन था। तो वो क्या करता है कि अब लेटर गॉड के पास लिखना स्टार्ट करता है। ये लिखता है इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो वो लिखता है कि अगर आप हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो इस साल हमारे जो फैमिली और मैं हैं वो भूखे रह जाएंगे, और आप क्या कीजिए कि हमको 100 पैसेस सेंड कर दीजिए जिससे कि मैं फिर से अपने क्रॉप को लगा सकूं, और जब तक क्रॉप नहीं तैयार होती है तब तक जीना हम लोग अपना जो भी खाना पीना है वो खा सकते हैं और ज़िंदा रख सकते हैं, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण ये सारा चीज़ हुआ है। तो आप प्लीज़ 100 पैसेस को भेज दीजिए। और फिर वो क्या करता है कि जाता है और टाउन में उस लेटर पे स्टैम्प को चिपकाता है
और मेल बॉक्स में उसको सेंड कर देता है। तो फिर वो क्या होता है कि लेटर जो है पोस्टमैन लेकर आता है और पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट मास्टर होता है, पोस्टमैन सारे लोग हंसने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि अब जो पोस्टमैन मास्टर है वो चुप हो जाता है अचानक से, और फिर उसको अचानक से लगता है कि व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो दोस्तों जो वो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो की हेल्प करना चाहता है, और लेकिन वो जो हेल्प सिर्फ रिप्लाई दे के नहीं कर सकता था, उसको पेन और इंक से ज़्यादा कुछ और चाहिए था, डेट इज 100 pesos। तो वो क्या करता है कि चैरिटी डोनेट करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। वो क्या करता है कि अपने जितने भी स्टाफ है उस ऑफिस में उससे कुछ पैसे को कलेक्ट करता है और अपने सैलरी का 1 part उसमें डाल देता है, लेकिन वो 100 pesos को जमा करने में सक्षम नहीं होता है, ओनली 70 pesos को वो जमा कर पाता है और 30 pesos को वो जमा नहीं करता है। और फिर उस पर क्या करता है, गॉड का सिग्नेचर करके उसको फिर से वो लेंचो के पास भेज देता है। तो वो संडे का दिन होता है जब उस लेंचो को वो मिल जाता है वो लेटर, और उसमें वो 70 pesos को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, बल्कि उसको गुस्सा आता है कि उसमें 30 pesos कम होते हैं। तुम लोग देख सकते हो कि वो कितना ज़्यादा गॉड पे बिलीव कर रहा है कि उसको कोई भी हैरानी नहीं है कि गॉड ने उसको पैसे को सेंड किया। वो तो मतलब ऐसा है कि वो तो मान ही रहा था कि ज़रूर ही रिप्लाई आएगा और 100 pesos उसको मिलेंगे। तो फिर क्या होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और फिर से पेन और पेपर को ले लेता है और जाके फिर से लेटर लिखना स्टार्ट करता है। उस लेटर में वो क्या लिखता है कि इस बार आपने जो है वो 30 rupees कम भेजे हैं, ये ज़रूर आपने तो नहीं किया होगा, ये ज़रूर वो पोस्ट मास्टर या वो सारे जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले वर्कर का काम होगा, आप क्या कीजिए कि फिर से मुझे 30 pesos को भेज दीजिए जितने बच्चे हैं, क्योंकि उसको मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस बार आप क्या कीजिएगा कि मेल के द्वारा मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स है। यहाँ पर क्रूक्स का मतलब होता है चीटर। तो यही लेंचो का कहानी होता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से हम लोग को मतलब सीखने को मिल रहा है कि कैसे देख सकते हैं आप लोग कि ह्यूमन नेचर होता है, कभी वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि लेंचो कितना गॉड में बिलीव रखता है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी चैप्टर की वर्ड मीनिंग है यहाँ पर मैंने दे दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर तुम चाहो तो जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, याद कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो तुम लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छी तरह से ये चैप्टर को कम्प्लीट कर सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि वो तुमको फर्दर नोटिफिकेशन देता रहे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ, तो तुम्हारे पास सबसे पहले उसका अपडेट आ जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।